आपको भी अपनी ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज करनी है? अगर हाँ तो वीडियो जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज करने से आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ऑफकोर्स मैं कंटिन्यूटर हूँ, साथ में प्रोग्रामिंग भी सीख रहा हूँ, तो मेरी ड्राइविंग स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा बेटर करती है। बट अगर आप भी डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको भी अपनी ड्राइविंग स्पीड जो इंक्रीज करनी चाहिए। पहले मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी वो कुछ 35-40 वर्ड्स पर मिनट थी, बट अभी मेरी टाइपिंग स्पीड एवरेज टाइपिंग स्पीड है वो कुछ 75-80 वर्ड्स पर मिनट है। हाँ मैंने उसको इंप्रूव करा काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको वर्क करा उसको इंप्रूव करने के लिए, और मैं उसको हमेशा एक गेम की तरह ट्रीट करता था। मतलब जो मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करना मेरे लिए गेम की तरह है, मतलब मैं जितना ज़्यादा खेलूँ मतलब जितना ज़्यादा खेलूँगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा बस उतना ज़्यादा उसमें इंप्रूव करता हूँ, उतना ज़्यादा उसमें बेटर होता हूँ। मैं टाइमिंग स्पीड इंक्रीज करने से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं और बिना टाइम वेस्ट करिए आप किसी चीज़ पर वर्क करते हैं। जैसे अगर आपको किसी की चीज़ पर आर्टिकल लिखना है, कोई टॉपिक है, कोई आइडिया इस पर आपको कुछ लिखना है, तो आपका जो ब्रेन जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा उसको टॉपिक को सोचने के लिए। मतलब अगर आपने पहले से रिसर्च कर लिया है तो आपको पता है कि आपकी नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, आपको नेक्स्ट ब्रेन क्या आएगी, आपको ब्रेन जो है तो फास्ट वर्क करेगा। और आप अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो आप अपनी ब्रेन की स्पीड के हिसाब से उसको टाइपिंग कर देंगे। तो अगर आप टाइपिंग स्पीड आपकी फास्टर है, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आप जितना जल्दी सोच सकें उतनी जल्दी उसको टाइप भी कर पाएंगे। अगर आपको भी अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी है तो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपकी। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको बता सके कि अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप जो है वो अपना कीबोर्ड चेंज करिए। अगर आप कोई मेमोरी कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करें, मेमोरी कीबोर्ड जो आपके नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं जैसे ऐसे वाले कीबोर्ड वो होते हैं मेमोरी कीबोर्ड। तो अगर आप इनको यूज़ करते आ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि इसे इसको यूज़ करना कम करिए और एक ऐसे मैकेनिकल कीबोर्ड लीजिए। आपको जो मैकेनिकल कीबोर्ड जो है आपको मार्केट में 2500 तक के 2500-3000 के बीच में मिल जाएंगे आपको ये। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर से मिल जाएंगे। ये मैंने ऑफलाइन लिया था 2500 रुपीज़ का, एक कॉस्मेटिक कीबोर्ड है। अगर आपको भी ऐसा लेना था आपको इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन छोड़ दूंगा मैं। मैकेनिकल कीबोर्ड जो है आपकी टाइपिंग स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा टाइपिंग स्पीड को, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड में आपकी जो हर एक की स्ट्रोक है उसको आपको काफ़ी ज़्यादा उसको फील करते हैं। मतलब जो मेमोरी कीबोर्ड है उसमें सारी कीज़ जो कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको जो टाइपिंग जो थोड़ी स्लो देखने मिलेगी उसमें, मतलब आप हर एक की को उसमें वो फील नहीं कर पाएंगे। और उसकी जो साउंड होती है मैकेनिकल कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है नॉर्मल मेमोरी कीबोर्ड से। जैसे अगर जैसे मेमोरी कीबोर्ड टाइप करके दिखाऊँ आपको मैं, तो देखिए ऐसा होता है। ये मैकेनिक ये मेमोरी कीबोर्ड है, और मैं अगर मैं ऐसी अगर मैं मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप करता हूँ तो उसकी साउंड ही कैसी होती है? तो मैकेनिकल कीबोर्ड और मेमोरी कीबोर्ड में एक तो साउंड का डिफरेंस हो गया, और जो आपके जो की स्ट्रोक्स होंगे आप मैकेनिकल कीबोर्ड में ज़्यादा बेटर फील कर पाएंगे और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। नेक्स्ट चीज आप ट्राई कर सकते हैं वो typing.com जैसे फ्री टूल यूज़ करना। typing.com डायरेक्ट टाइपिंग मास्टर हो गया, ऐसे टूल यूज़ करना जिससे आप टाइपिंग स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ टाइपिंग मास्टर जो है फ्री टूल नहीं है, बट उसका आपको ट्राई वर्जन देखने को मिलेगा जिससे आप टाइपिंग स्पीड जो है मतलब टाइपिंग कोर्सेज टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं, गेम्स कर सकते हैं उन टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। हम वीडियो बात करेंगे typing.com के बारे में जिससे आपकी जो आपकी स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा typing.com का इंटरफेस। यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे लेसंस, टेस्ट, गेम्स, अचीवमेंट। जैसे आप मतलब जैसे कोर्सेज लेते हैं, बिगनर कोर्स हो गए, इंटरमीडिएट कोर्स हो गए, एडवांस कोर्स हो गए, यहाँ पर टेस्ट में आपको जैसे देखने मिलेंगे आपको टाइपिंग टेस्ट जो हो गए, और गेम्स में जैसे जो टाइपिंग गेम्स जैसे हो गए, कीबोर्ड जंप हो गया, कीबोर्ड निंजा हो गया, उसमें गेम्स जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं कोर्स लेसन पाता हूँ मैं, यहाँ पर हो गया बिगनर लेसन, बिगनर लेसन जैसे आप पीस सीख सकते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट लेसन जैसे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हो गए, जैसे उनको ट्राई कर जैसे दिखाता हूँ मैं कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में से। ये हो गया, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है 112 वाली है। जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें कोर्सेज देखने मिलेंगे, यहाँ एडवांस लेसन हो गए। यहाँ अगर जैसे आप कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग जैसे अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं जैसे उसमें HTML CSS जावा सीख रहे हैं, क्योंकि कोडिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा पक्ष यूज होते हैं, तो अगर आपको ऐसे ही मतलब उसके उसके अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर आप वैसे जावास्क्रिप्ट आते हो तो आपको जैसे यहाँ पर देखने मिलेगा टाइपिंग स्पीड जैसे इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। हमें कोडिंग में टाइपिंग स्पीड कितनी इंक्रीज करनी है उसके लिए इंक्रीज करनी है, बट जैसे अगर आपको जैसे क्योंकि कोडिंग में जो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुएशन यूज होते हैं, तो अगर आपको कोडिंग के हिसाब से अगर टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करें तो आप ज़्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा कोड भी सीख सकते हैं आप। जैसे आपको टाइपिंग टेस्ट भी मिलेंगे, मैं यहाँ पर जैसे 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट लेके देखता हूँ। एक तो हम टाइपिंग टेस्ट पे ऐसे लेते हैं, यहाँ पर आप चेक करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, आपको आप मतलब स्पीड वर्ड पर मिनट में हो गई, एक्यूरेसी कितनी है परसेंटेज में। यहाँ पर आप एवरेज स्पीड भी देख सकते हैं कितनी एवरेज स्पीड है, यहाँ आपको देख सकते हैं कि एवरेज एक्यूरेसी कितनी है,
टाइमिंग टाइम देख सकते हो कि आप टाइमिंग टाइम मतलब कितना एक दिन कितना टाइम स्पेंड करते हैं डेली, आप डेली गोल भी सेट कर सकते हैं अगर आपको डेली गोल सेट करना है 15 मिनट्स का 10 मिनट्स का तो आप उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मेरा टाइमिंग और डेली गोल 15 मिनट्स का सेट है तो यहाँ पर नो गोल भी सेट कर सकते हैं 5 मिनट भी सेट कर सकते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट 60 मिनट तक ऐसे जा सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग स्पीड जो इंक्रीज करनी है तो एक मेरा टाइमिंग मास्टर टाइमिंग डॉट कॉम जो है काफ़ी बेटर टूल्स था टाइमिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको टाइमिंग स्पीड अगर आपको अपनी टाइमिंग स्पीड इंक्रीज करनी है टाइमिंग डॉट कॉम जो है काफ़ी बेटर टूल होता है टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट चीज आप ट्राई कर सकते हैं वो है कीबोर्ड पे बिना डेटा टाइप करना। अगर आप बिगनर हैं तो मेरे को पता है कि आप कीबोर्ड पे देखेंगे और टाइप करेंगे, क्योंकि मैं भी जब बिगनर था जब मैंने कंप्यूटर स्टूडियो यूज़ करना स्टार्ट करता तो मैं भी मतलब जो कंप्यूटर में देखता था टाइपिंग करता था बट कीबोर्ड पे देखकर टाइपिंग करता था। बट अब जो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, मतलब मैं ऑलमोस्ट बिना कंप्यूटर पर देखकर टाइपिंग करता हूँ। मैं अगर आप कंप्यूटर में देखकर टाइपिंग करते हैं मतलब आप कीबोर्ड पर देखकर टाइपिंग करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी जो एफिशिएंसी उसमें काफ़ी कम होगी। तो आप ट्राई करिए कि आप बिना कीबोर्ड देखकर टाइप करें जितना हो सके आप कीबोर्ड पर देखना कम करें उसको। आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, शुरू के एक दो दिन या एक हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी जो कीज़ होंगे आपको मतलब मेमोराइज नहीं होंगे, वो की कहाँ पर कौन सी की आपको फील नहीं, आपको पता नहीं होगा कहाँ पर है वो। तो आप शुरू में जो आपको जो हुई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट आप जैसे धीरे धीरे इसको टाइप करना मतलब इसको प्रैक्टिस मिलेंगे तो आपको उसमें कोई ज़्यादा बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर आप एक महीना ऐसे लगातार इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिना देखे बाद में टाइप कर पाएंगे। और अगर आप हो सके तो ट्राई करिए कि आप कीबोर्ड मैक्सिमम यूज़ करिए। जैसे अगर आप कीबोर्ड माउस दोनों यूज़ करते हैं मतलब जैसे आप कोई ऐप ओपन करता है माउस यूज़ करते हैं, जैसे आप शार्ट बजा रहे हैं फिर वहाँ से मतलब शार्ट मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पर से कोई जो एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं तो उसको माउस से क्लिक कर रहे हैं तो इसको आप ट्राई करिए कि आप कीबोर्ड से करें। मतलब जैसे आपको शार्ट मेन्यू में जाना तो आप विंडोज बटन दबाइए, फिर आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो सर्च करिए कीबोर्ड से टाइप करके सर्च करिए फिर उसको ओपन करिए। तो उससे आपको ये होगा कि आप जो कीबोर्ड पर प्रायोरिटी लाएंगे और फिर आपको इसमें टाइपिंग स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट चीज आप ट्राई करते हैं वो टाइपिंग टेस्ट लेना। जैसे आपको टाइपिंग डॉट होगा आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आपको मतलब अलग टाइप के टेस्ट मिलेंगे, जैसे 1 मिनट टेस्ट हो गए, 3 मिनट टेस्ट हो, 5 मिनट टेस्ट हो गया, 1 पेज टेस्ट, 2 पेज टेस्ट, 3 पेज टेस्ट। अब उसको अलग अलग टेस्ट देते आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। आप सेट करिए अपने डेली रोल सेट करिए कि आप कितने मतलब टेस्ट लेते हैं, इतने मिनट प्रैक्टिस करनी है आपको टाइपिंग की, मतलब जैसे आपको 1 मिनट प्रैक्टिस करनी है तो आपको 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है। आप उसको अलग अलग अपने गोल सेट करते हैं डेली के और अपने डेली सैलरी से अपना टाइम निकालिए उसको टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आप डेली मतलब 15 मिनट भी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 1 मंथ के साथ काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा आपकी टाइपिंग स्पीड में। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपकी जो टाइमिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैंने भी प्रैक्टिस करके अपनी टाइमिंग स्पीड इंप्रूव करी है। तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतना आप टाइमिंग में एफिशिएंट हो जाएंगे, आपकी टाइमिंग स्पीड इतना इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।